हर इंसान के पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं एंड एक परमानेंट टीथ होते हैं। एक बेबी जब 6 मंथ्स का हो जाता है तो ही स्टार्ट्स गेटिंग हिज मिल्क टीथ, एंड ये उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके दांतों का ख्याल रखें। तो आज की वीडियो में मैं एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ केरियस लेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं बेबी बॉटल केरियस। नाउ इस बेबी बॉटल केरियस में अपर के सिर्फ फ्रंट के टीथ इन्वॉल्व होते हैं, एंड ये प्रोलॉन्ग बॉटल फीडिंग की वजह से होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फीडर देके बेबी को बहुत लंबे ड्यूरेशन तक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रंट के दांत ही खराब होते हैं। जो परमानेंट टीथ हैं वो कम से कम 6 ईयर्स ऑफ एज में आना शुरू होते हैं, तो दिस इज वाई इन दांतों का ख्याल रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो टू सेव योर चाइल्ड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ केरियस लेशन, कुछ सिंपल प्रिवेंशन के टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स वो अवॉइड कर सकते हैं आप। नंबर 1, डू नॉट गिव फीडर्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। नंबर 2, जब बेबी 1 ईयर ओल्ड का हो जाए तो स्टार्ट यूजिंग कप इंस्टेड ऑफ फीडर्स। नंबर 3, व्हेन ही गेट्स हिज टीथ तो उसके दांतों को ब्रश करना शुरू कर दें, ठीक है। जब तक बेबी 2 ईयर ओल्ड नहीं हो जाता तब तक सिर्फ एक राइस के ग्रेन जितनी क्वांटिटी ऑफ टूथपेस्ट आपने यूज करना है। टूथपेस्ट अगर फ्लोराइड का हो तो और ज्यादा बेटर है। एंड 2 ईयर्स से अबव बच्चों के लिए एक मटर के दाने जितना क्वांटिटी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे। एंड देन फाइनली नंबर 4, विजिट योर डेंटिस्ट। अगर आपको कोई भी किस्म की प्रॉब्लम है या क्वेश्चंस हैं या बच्चे के दांत ऑलरेडी खराब हो चुके हैं तो यू शुड ऑब्वियसली विजिट टू द डेंटिस्ट, क्योंकि अगर विजिट नहीं करेंगे एंड उसको और ज्यादा डिले करते जाएंगे तो वो और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता रहेगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ चेकअप, एंड आप किसी डेंटिस्ट से लाजमी चेकअप करवाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप लोग दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं, एंड इस बहुत सिंपल से प्रॉब्लम को हम लोग सब प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज डॉक्टर रशीद, थैंक यू।